टॉपिक है इस वक्त आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, इसका मतलब शायद आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट हो सकता है या फिर पूरे के पूरे सभी कार्ड्स। तो इट डिपेंड्स, देखते हैं शफल करके हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। आप ओरेकल में से देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। पहले हम कार्ड ठीक से रख लेते हैं। अब देखते हैं तारों के कार्ड समय क्या बताते हैं। पहला ही कार्ड है द अल्केमिस्ट, यानी कि मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कप है जो रिप्रेजेंट करता है इनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है उस प्यार को। फिर है पेंटेकल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं करियर वगैरह भी सीरियसली ले रहे हैं या फिर फैमिली से भी सीरियसली आपके बारे में बात करने को ये तैयार है। सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को और क्लैरिटी को, और वैंड जो है वो रिप्रेजेंट करते एक्शन को। तो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन शायद आपकी तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस है। हो सकता है आपने गुस्से में उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जा सकता है कि ये चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करें, यानी कि अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत दोबारा स्टार्ट करने के लिए अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे भी हाथ में एक वैंड है, उसको लेके ये पर्सन सोच में डूबा है। जैसे फल लगे हुए होते हैं लेकिन इमीडिएटली हमें वो फल खाने को नहीं मिलते जब तक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, यानी कि फल को पकने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। वैसे ही इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी शायद कुछ हालत है जिसकी वजह से ये शायद आपकी तरफ रीच आउट नहीं हो पा रहे। कुछ करियर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ फैमिली में बहस हुई हो सकती है जिसकी वजह से ये आपसे मिल भी नहीं पा रहे। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये। आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त बिताया था वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। राइट नाउ तो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, सैडनेस भी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल बातों के बारे में सोच चुके हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कुछ बातें हैं जो इनको दिल को और दिमाग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे चुकी है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि इस बातों को लेके मैं कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा या एक्सप्लेन कर पाऊँगी, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊँगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जैसे पीछे की तरफ एक नया सवेरा दिखाई दे रहा है वैसे ही एक नई सुबह का इन्हें ज़रूर इंतज़ार है जो सुबह इनके लिए कुछ अच्छा लेके आएगी, लेकिन इस सैडनेस की एनर्जी से वो निकलना ज़रूर चाहते हैं। फिर टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ दोबारा रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको हग्स एंड किसेस देके अपने तरीके से बताना चाहते हैं इनके दिल में आखिर आपको लेके क्या जज्बात है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी स्पीड लेके बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप थोड़ा सा मे बी उनके ऊपर गुस्सा है जिसकी वजह से आप अपनी तरफ से कोई भी
एक स्टेप नहीं ले रही, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। यहाँ पे लियो का भी साइन दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ शेयर है जो रिप्रेजेंट करते स्ट्रेंथ को। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं अगर अपनी तरफ से ये कोई भी मैसेज या कॉल नहीं कर रही, इसके पीछे कोई वजह है और आपको डेफिनेटली पता है कि क्या रीजन है, और आप अपने डिसीजन के ऊपर एक चट्टान की तरह हटी हुई है कि नहीं मैं अपनी जगह से नहीं खेलूंगी जब तक मेरी बात नहीं पूरी हो जाती, इस तरह की शायद कुछ एनर्जी है। स्टबर्ननेस नहीं कह सकते, लेकिन आप श्योर जरूर है कि आप आखिर क्या चाहती है या फिर क्यों आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आपकी तरफ से उनको कॉल या मैसेज क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे की जो वजह है उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है इमोशनल ब्लैकमेल। शायद इस पर्सन को लग रहा है थोड़ा सा आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने से बात बन सकती है। इमोशनल ब्लैकमेल इन द सेंस कि थोड़ा सा रोना धोना वगैरह हो सकता है, या फिर आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कितना अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। तो इस तरह की थोड़ी सी आपको इमोशनली थोड़ा अपनी जगह से हिलाने की कोशिश ये करने के बारे में सोच रहे हैं। लिसन टू एडवाइस। कुछ लोगों ने शायद इनको कुछ सलाह मशवरा दिया हुआ हो सकता है, कुछ घरवाले हो सकते हैं, कुछ वेल विशर हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी बातों के ऊपर भी ये गौर फरमा रहे हैं कि आपको मनाने का भी तरीका हो सकता है, या फिर जिंदगी में जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के बारे में भी कोई एडवाइस हो सकती है, उस एडवाइस के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टक इन द पास्ट। जैसे कि फोर ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा कि आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त बिताया है उन लम्हों में ये काफ़ी ज़्यादा खोए रहने लगे हैं, क्योंकि इन्हें वो पल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। उन लम्हों में जब भी शायद ये अपने आप को पाते हैं तो एक हैप्पीनेस फील करते हैं, और जैसे ही उस मेमोरी से बाहर आते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये रियलिटी नहीं है तो उन्हें तकलीफ होती है। तो ऐसे ही स्टक इन द पास्ट की एनर्जी में है जहाँ पे उन्होंने आपके साथ वक्त बिताया था। नेक्स्ट है सोलमेट। जैसे टू ऑफ कप्स का कार्ड हमने देखा, आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन तो वो फील करते ही है, साथ ही साथ उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आप ही हैं उनके सोलमेट। मतलब आपके साथ उन्हें जो ये कनेक्शन फील होता है वो उन्हें दिल से महसूस हो रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन ही है, जिसकी वजह से वो इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है ड्रामा किंग। तो जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो ड्रामा किंग हो सकते हैं या ड्रामा क्वीन हो सकती है, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए वो आपको थोड़ा सा अपने तरीके से कुछ बातें ड्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं। फाइनल कार्ड है मिस कम्युनिकेशन। जैसा कि पहले कार्ड में हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन चल रहा है, कुछ लोगों की शायद नो कॉन्टेक्ट जोन में एक सिचुएशन है, कुछ लोगों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है जिसकी वजह से बातचीत बंद है, और इस बातचीत बंद की वजह के पीछे जो रीज़न है वो शायद मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि इस पर्सन ने कुछ और कहना चाहा था लेकिन कह कुछ और दिया, या फिर उनकी बात का कुछ अलग ही मतलब निकला जो ये शायद कहना नहीं चाहते थे। इस तरह से शायद बात का पतंगड़ बन चुका है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन दोबारा आपके साथ इस तरह की टू ऑफ कप्स की एनर्जी में कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।